अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.2 के सॉल्यूशन के बारे में। उसमें हमें दिया गया कि एक सॉलिड सॉल्यूशन है जो कि दो पार्टिकल से बना है, जिसमें कि एक पार्टिकल का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और एक पार्टिकल का साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन हुआ? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा ये हम लोग का चैप्टर नंबर 1 दी सॉलिड स्टेट से एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो कौन सा, आइए देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग का ये एक सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक पार्टिकल ए है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, ए पार्टिकल्स जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, और एक पार्टिकल्स जो हमारा क्या है जो स्मॉल है साइज़ में, वो स्मॉल जो है साइज़ में वो क्या करेगा, स्मॉल साइज़ वाला इंटरस्टीशियल गैप जाके ऑक्यूपाई कर लेगा जो कि बी है। मान लेते हैं ये जो दो कंपोनेंट है ए और बी, तो ए हमारा साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे हमारा ए कंपोनेंट है, ए पार्टिकल है, और वो जो छोटा है साइज़ में बी वाला पार्टिकल वो क्या करेगा, जो इंटरस्टीशियल गैप है वो जाके ऑक्यूपाई कर लेगा। और यही कॉन्सेप्ट को हम लोग दी सॉलिड स्टेट में क्या बोलते थे, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। जो स्मॉल साइज़ वाला पार्टिकल्स होता है वो इंटरस्टीशियल गैप ऑक्यूपाई कर लेता है। तो वही सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो स्मॉल साइज़ वाला पार्टिकल है वो इंटरस्टीशियल गैप ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसलिए इस टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये कौन सा सॉलिड सॉल्यूशन है, इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन।